गुड मॉर्निंग क्लास, द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फाउंडेशन इंजीनियरिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स. और इट इज नो फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज दैट पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज यूज टू ट्रांसमिट द लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू द अर्थ प्रेशर. मतलब कि ये वो पार्ट है स्ट्रक्चर का जो लोड सुपर स्ट्रक्चर का अर्थ प्रेशर या सॉइल में ट्रांसमिट करता है. फाउंडेशन इंजीनियरिंग में दो तरह के फेलियर होते हैं जनरली जो हम देखते हैं. पहला है शेयर फेलियर और दूसरा है सेटलमेंट फेलियर. जब सेटलमेंट होती है फाउंडेशन की, जब सेटलमेंट होती है फाउंडेशन की या सॉइल की, उस पर उस फेलियर को हम बोलते हैं शेयर फेलियर. ठीक है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में दो टू टाइप्स ऑफ फेलियर होते हैं. पहला सेटलमेंट फेलियर, जब हमारा फुटिंग या सॉइल सेटल कर जाती है उस फेलियर को हम सेटलमेंट फेलियर बोलते हैं. दूसरा स्लाइडिंग और स्लिपिंग फेलियर, जब फुटिंग और हमारी फाउंडेशन जो स्लाइड करने लग जाएगी, स्लिप करने लग जाएगी, उस फेलियर को हम शीयर फेलियर बोलेंगे. शीयर फेलियर, हमारी जो फाउंडेशन होती है, जो हमारी फाउंडेशन है वो सेफ होनी चाहिए अबव मेंशन टू फेलियर्स, शुड बी सेफ फ्रॉम द अबव मेंशन टू फेलियर. मतलब कि जो भी हम अलाउएबल लोड कंसीडर करेंगे इट शुड बी मिनिमम ऑफ द अबव टू मेंशन फेलियर. इन दोनों फेलियर्स से ज़्यादा हमारा अलाउएबल लोड नहीं होना चाहिए. शुड बी लेस देन, सेटलमेंट फेलियर से कम ही होना चाहिए. शुड बी ग्रेटर देन अबव अलाउएबल लोड. जो हम लोड कंसीडर करेंगे वो इन दो फेलियर से कम होना चाहिए. इसके बाद फाउंडेशन में हमारा टाइप ऑफ फाउंडेशन है, दो तरह की फाउंडेशन होती है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन. अब टेरजागी ने बताया शैलो फाउंडेशन का क्या क्राइटेरिया, उनके अकॉर्डिंग किसको हम शैलो फाउंडेशन बोलेंगे. और स्कैम्पटन ने भी बोला है कि उनके अकॉर्डिंग हम शैलो फाउंडेशन डीप फाउंडेशन किसको बोलेंगे. टाइप ऑफ फाउंडेशन, पहली तो है शैलो फाउंडेशन, ठीक है, और दूसरी है आपकी डीप फाउंडेशन. तो एज पर टर्जागी जी बोलते हैं शैलो फाउंडेशन वो फाउंडेशन है एज पर टर्जागी जिसकी डेप्थ ऑफ फुटिंग बाय विड्थ शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वन होगी. और तो फिर डीप हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टर्जागी, जिसकी डेप्थ ऑफ फुटिंग बाय विड्थ शुड बी ग्रेटर देन वन. एक और चीज़ है स्केम्पटन बोलते हैं अगर डेप्थ ऑफ फुटिंग बाय विड्थ शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2.5 तो वो शैलो फाउंडेशन है. अगर डेप्थ ऑफ फुटिंग बाय विड्थ इज ग्रेटर देन 2.5 तो वो डीप फुटिंग है. इसमें जो फेलियर होता है शैलो फाउंडेशन में जो फेलियर होता है वो होता है ड्यू टू बेस रेजिस्टेंस. फेलियर किसकी वजह से होता है, फेलियर ड्यू टू बेस रेजिस्टेंस. इसमें जो फेलियर होता है ड्यू टू बेस रेजिस्टेंस की वजह से भी होता है और साइड रेजिस्टेंस की वजह से भी होता है. ड्यू टू बेस रेजिस्टेंस डी फाउंडेशन में एंड साइड रेजिस्टेंस. अब हमारे को टर्जागी जी ने गाइडलाइंस बताई है फॉर द सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन. अगर आपकी किस तरह की टाइप ऑफ सॉइल है, किस तरह की लोडिंग कंडीशन है, उस अकॉर्डिंग आपका क्या सुटेबल फाउंडेशन होनी चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग विल बी डिस्कसिंग अबाउट गाइडलाइंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन. गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन, ये तो थोड़ा इसमें ये पता होना चाहिए डेप्थ ऑफ फुटिंग. जैसे आपकी ये आपकी फुटिंग है, ये ग्राउंड लेवल है, तो
तो इसकी जो विड्थ होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी और डेप्थ होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। तो पहले आप ले लो ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉइल प्लस आपकी लोडिंग कंडीशन, के साथ वेरी करेगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे कौन सी सूटेबल फाउंडेशन इनके वेरिएशन में, इनके वेरिएशन से हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला केस है इफ स्ट्रक्चर लोड इज लेस और सॉइल इज मीडियम टू डेंस। स्ट्रक्चर लोड भी कम है, स्ट्रक्चरल लोड इज लेस एंड सॉइल इज मीडियम टू डेंस, तो उस केस में दिखती बात है नॉर्मल सी फाउंडेशन हमारी विल यूज शेलो फुटिंग। इफ स्ट्रक्चर लोड इज हैवी एंड सॉइल इज मीडियम टू लूज, इस केस में अब स्ट्रक्चर लोड भी आपका स्ट्रक्चरल लोड इज हैवी, पहले बार स्ट्रक्चर लोड इज हैवी एंड सॉइल पहले थी मीडियम टू डेंस, सॉइल इज आपकी मीडियम टू लूज, सॉइल इज मीडियम टू लूज। इस केस में शैलो नहीं होगी, इस केस में डीप फुटिंग होगी, या फिर आपकी आप राफ्ट भी यूज कर सकते हो, इधर राफ्ट और डीप फुटिंग, ठीक है, इधर राफ्ट और डीप फुटिंग। इसमें आपका थर्ड केस होगा अगर स्ट्रक्चर लोड ज़्यादा है, बहुत ही हैवी है, इफ स्ट्रक्चरल लोड इज वेरी हैवी एंड सॉइल इज मीडियम टू लूज, एंड सॉइल इज मीडियम टू लूज, तो उस केस में या तो यहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन फुटिंग अप्लाई कर लो या डीप फुटिंग। इस केस में आप राफ्ट के साथ राफ्ट फुटिंग होगी प्लस राफ्ट प्लस पाइल फुटिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज होगा इस केस में, राफ्ट प्लस पाइल का कॉम्बिनेशन यूज होगा। इसके बाद आपकी फोर्थ कंडीशन, व्हेन स्ट्रक्चर लोड इज हैवी एंड फाउंडेशन इज टू बी प्लेस्ड इन रनिंग वाटर, जब स्ट्रक्चर लोड आपका तो वेल फाउंडेशन होगी इज हैवी, मतलब रनिंग वाटर में होगा तो वेल फाउंडेशन होगी। स्ट्रक्चर लोड इज हैवी एंड फाउंडेशन इज टू बी प्लेस्ड इन रनिंग वाटर, प्लेस्ड इन रनिंग वाटर, उस केस में यू विल हैव वेल फाउंडेशन। और फिफ्थ है अगर स्वेलिंग प्रेशर हाई है, या फिर स्वेलिंग प्रेशर इज हाई, या डिफरेंशियल स्वेलिंग इज ग्रेटर देन 35%, तो इस केस में भी राफ्ट फुटिंग होगी या फिर डीप फुटिंग होगी, इन दो में से एक होगी। स्वेलिंग प्रेशर इज हाई एंड डिफरेंशियल सेटलमेंट इज ग्रेटर देन 35%, इस केस में भी या तो राफ्ट होगी या फिर डीप फुटिंग होगी, इन दो में से एक होगी, ठीक है। सिक्स्थ है अगर सॉइल लूज सैचुरेटेड सैंड है विच इज प्रोन टू लिक्विफेक्शन, लिक्विफेक्शन होगा तो कंपेक्शन पाइल, ठीक है। सॉइल इज लूज सैचुरेटेड एंड प्रोन टू लिक्विफेक्शन, एंड प्रोन टू लिक्विफेक्शन, तो इस केस में जो है वो आपकी कंपेक्शन पाइल यूज होगी, इस केस में आपकी कंपेक्शन पाइल यूज होगी। और एक और है अगर फुटिंग एरिया इज मोर देन 40% है, फुटिंग एरिया इज ग्रेटर देन 40%, इस केस में या तो कंबाइंड फुटिंग यूज होगी या राफ्ट फुटिंग यूज होगी, जनरली हम राफ्ट फुटिंग यूज करते हैं, या तो कंबाइंड फुटिंग यूज होगी कंबाइंड,
और राफ्ट कंबाइंड और राफ्ट फुटिंग, ठीक है। और अगर आपकी सॉइल ब्लैक कॉटन है और उस पे आप फुटिंग बना कर रहे हो ब्लैक कॉटन सॉइल पे, इफ़ यू आर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्टिंग फाउंडेशन, या आपकी सॉइल एक्सपेंसिव है और या फिर सॉइल एक्सपेंसिव है, इस केस में आपकी या तो फ्लोटिंग फाउंडेशन यूज़ होगी या बैलेंसिंग राफ्ट या अंडर इनपेल। जनरली हम जो डिस्कस करते हैं जनरली इसका अंडर इनपेल का यूज़ करते हैं, या पर राफ्ट भी राफ्ट फुटिंग भी यूज़ हो सकती है, या राफ्ट जनरली यूज़ नहीं होगी ब्लैक कॉटन सॉइल में। राफ्ट करनी होगी तो तब तक करनी पड़ेगी जब तक आपको हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिल जाता, ठीक है। राफ्ट उसमें पाइल प्लस राफ्ट आएगी, फिर हार्ड स्ट्रेटा ढूंढना पड़ेगा आपको उसमें भी। वैसे जनरली हम फ्लोटिंग या बैलेंसिंग राफ्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके गाइडलाइंस है फॉर द सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन। इसमें जो फ्लोटिंग फाउंडेशन है, फ्लोटिंग फुटिंग है, वो कुछ नहीं होता है उसमें। जो भी आपका आपने क्या करना होता है, फुटिंग करते जब जो आप एक्सकवेशन करते हो, ठीक है, तो उसमें जो आपकी फुटिंग जो आपका लोड लेती है वो नेट इंक्रीमेंट होता है। जो आपका वेट ऑफ द फाउंडेशन या अप्लाइड लोड या वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, सारा का सारा मतलब जो आपने एक्सकवेट किया होगा मटेरियल, वही उस दैट विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ स्ट्रक्चर प्लस वेट ऑफ फाउंडेशन प्लस वेट ऑफ सॉइल। मतलब कोई एडिशनल लोड नहीं लगता, एडिशनल लोड इज जीरो। तो मतलब उस केस में वो फिर एक तरह से उसमें कोई सेटलमेंट भी नहीं दिखती है, फिर काफ़ी सेफ हो जाती है वो, उसी को हम फ्लोटिंग फाउंडेशन बोलते हैं। दिखाई देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है और यहाँ पे एक्सकवेशन, जो ये मटेरियल आपने एक्सकवेट किया ये वाला मटेरियल, ठीक है, इसका जो वेट होगा, वेट ऑफ एक्सकवेटेड मटेरियल, जो वेट ऑफ एक्सकवेटेड मटेरियल होगा दैट विल इक्वल टू वेट ऑफ द स्ट्रक्चर प्लस वेट ऑफ द फाउंडेशन प्लस वेट ऑफ जो सॉइल जो भी थी यहाँ पे। तो मतलब ये ऑलमोस्ट सेफ है, इसमें कोई हमें ज़्यादा कोई एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेफ है, कोई सेटलमेंट नहीं दिखेगी फिर, ठीक है। इसके बाद आपका जैसे हमने डिस्कस किया सबसे पहले ही दो तरह के फेलियर होते हैं, और फाउंडेशन जो है वो सेफ होनी चाहिए इन दोनों तरह के फेलियर से। फर्स्ट फेलियर वॉज सेटलमेंट फेलियर और सेकेंड फेलियर जो था वो था शेयर फेलियर, ठीक है। तो फाउंडेशन शुड बी सेफ इन शेयर क्राइटेरिया एज वेल एज इन द सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो हमारा जो सेफ लोड होगा वो होगा एज पर सेफ लोड एज पर शेयर क्राइटेरिया होगा सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया, और सेफ लोड एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया विल बी सेफ बियरिंग प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। जैसे अगर हमने ये हमारा सेटलमेंट क्राइटेरिया था, इसके अकॉर्डिंग अगर हमने सेफ लोड निकालना होगा तो वो होगा सेफ लोड एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया विल बी सेफ बियरिंग प्रेशर इनटू एरिया, और सेफ लोड एज पर शेयर क्राइटेरिया विल बी सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया, वही हम यहाँ लिखेंगे। फाउंडेशन जो है वो सेफ होनी चाहिए अबव टू दोनों शेयर और सेटलमेंट क्राइटेरिया से, जनरली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सेफ लोड एज पर शेयर क्राइटेरिया इज इक्वल्स टू सेफ बियरिंग कैपेसिटी इनटू एरिया एंड सेफ लोड एज पर ये तो शेयर क्राइटेरिया एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया दूसरा फेलियर है। एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया इज इक्वल्स टू सेफ बियरिंग प्रेशर इनटू एरिया। अब जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे विल डिस्कस दीज थिंग्स, ठीक है। और डिज़ाइन के लिए मिनिमम ऑफ द अबव टू क्राइटेरियाज अडॉप्टेड, इन दोनों का मिनिमम हम अडॉप्ट करते हैं फॉर डिज़ाइन, मिनिमम ऑफ द अबव टू क्राइटेरिया इज अडॉप्टेड, ठीक है। अब हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे
इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस फॉर शेयर क्राइटेरिया, वो कौन कौन सी है, वो है ग्रॉस प्रेशर, नेट प्रेशर, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी और नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी और सेफ बेरिंग कैपेसिटी, सारे एक दूसरे से लिंक है, बस हमारे को ध्यान में रखना है इनके बारे में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इनसे ये आगे लिंक होता रहेगा आगे आगे चैप्टर सारा। फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी, फर्स्ट डेफिनेशन इज ग्रॉस प्रेशर, फर्स्ट डेफिनेशन इज ग्रॉस प्रेशर डिनोटेड बाय क्यू जी। ये क्या है, इट इज़ द टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल या फुटिंग प्लस अप्लाइड प्रेशर, मतलब जो आपकी फुटिंग है, ग्रॉस प्रेशर क्या होगा आपका, जो आपकी फुटिंग है, सपोज ये आपका ग्राउंड लेवल है, टोटल प्रेशर ड्यू टू या तो सेल्फ वेट होगा सॉइल का, जो भी यहाँ पे सेल्फ वेट ऑफ द सॉइल, और या डायरेक्ट ले लो आप फुटिंग का सेल्फ वेट ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ सॉइल या फुटिंग का, ठीक है, प्लस जो आपका लोड अप्लाइड हो रहा है, अप्लाइड लोड, ये सारा ग्रॉस प्रेशर में कम में आएगा, ठीक है। मतलब जनरली डिज़ाइन कंसिडरेशन में इसके जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रॉस प्रेशर है वो कम ही होना चाहिए सेफ बेरिंग कैपेसिटी से, ठीक है, डिज़ाइन कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग। ऐसे ही ग्रॉस प्रेशर होगा, वैसे नेट प्रेशर, ग्रॉस प्रेशर के बाद सेकेंड टर्म इज़ नेट प्रेशर, नेट प्रेशर विच इज़ बीइंग डिनोटेड बाय क्यू एन। नेट प्रेशर क्या होता है, मतलब ये पार्ट ऑफ द ग्रॉस प्रेशर ही होगा जो फुटिंग में आएगा, बस हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस को। नेट प्रेशर इज ग्रॉस प्रेशर माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर वाटर टेबल नहीं होगा तो ये कैसे आ जाएगा, ग्रॉस प्रेशर माइनस गामा इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग, गामा होगा सॉइल का डेप्थ ऑफ फुटिंग, अगर वाटर टेबल हो जाएगा तो गामा की जगह गामा सम हो जाएगा, ठीक है, ये है नेट प्रेशर का केस। इसके बाद है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इसके बाद है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इसके बाद है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, जिसको हम डिनोट करेंगे क्यू यू से, क्यू यू बी से भी करते हैं, ठीक है, किसी किसी बुक में क्यू यू बी से डिनोट किया जाता है, किसी इसमें क्यू यू से ही डिनोट किया जाता है जनरली। ये है मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शियर फेलियर, मतलब कि मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, ग्रॉस प्रेशर ये एक तरह से जो विदाउट शेयर फेलियर के जो भी मैक्सिमम प्रेशर ग्रॉस प्रेशर होगा वही अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, या फिर मिनिमम ग्रॉस प्रेशर एट विच द सॉइल जस्ट फेल्स इन शेयर, या तो मिनिमम ग्रॉस प्रेशर है जो कि सॉइल फेल कर, ये जो सारी है, सारी डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एज पर शेयर क्राइटेरिया, सारी चीज़ें जो है ना ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है एज पर शेयर क्राइटेरिया, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस एज पर शेयर क्राइटेरिया। तो इसमें जो फेल भी करेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर क्राइटेरिया फेल करेगा, ठीक है। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, है ना, इज द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर जब बिफोर और बिफोर द टाइम ऑफ फेलियर, जो हम अप्लाई कर सकते हैं शिप फेलियर से पहले, उसी को हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बोलेंगे। और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, व्हाट विल बी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विल बी डिनोटेड बाय क्यू एन यू। नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगी, जैसे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी था मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शेयर फेलियर, ये होगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विल बी द मैक्सिमम नेट प्रेशर, मैक्सिमम नेट प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शेयर फेलियर, ठीक है। तो इस केस में जैसे
इस केस में नेट प्रेशर जो था ग्रॉस प्रेशर माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस था, इस केस में नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो होगा वो होगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस। वही चीज़ आएगी इफ वाटर टेबल इज नॉट प्रेजेंट गामा डी, एफ वाटर टेबल इज प्रेजेंट गामा सबमर्ज हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी फिफ्थ डेफिनेशन है वो है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी। फिफ्थ डेफिनेशन जो है इसमें वो है नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी विच इज डिनोटेड बाय क्यू एन एस। नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी को समझने के लिए जैसे हमने अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी पढ़ा था और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो था वो टोटल ग्रॉस प्रेशर था विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शीयर फेलियर। तो नेट ठीक है, और नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या था वो था टोटल या मैक्सिमम नेट प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड विदाउट शेयर फेलियर। दोनों चीज़ सेम है, बस एक एक ग्रॉस प्रेशर से डिनोट करेंगे, एक नेट प्रेशर से। अब नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी भी नेट प्रेशर है, मैक्सिमम नेट प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड, इसमें था विदाउट शेयर फेलियर। ये तो उससे भी पहले विदाउट द रिस्क ऑफ शेयर फेलियर, आपको रिस्क भी नहीं होना चाहिए शेयर फेलियर का। तो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम नेट प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड विदाउट द रिस्क ऑफ शेयर फेलियर। ठीक है, तो अगर ये विदाउट द रिस्क ऑफ शेयर फेलियर मतलब क्यू एन एस इज इक्वल्स टू क्यू एन यू डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, यही चीज़ है ना। ठीक है, तो नेट अल्टीमेट क्या होता है, क्यू यू माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, और जो आपका जनरल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस केस में 2.5 से, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस केस में जनरली जो होता है वो 2.5 से 3 के बीच में होता है। अब इसके बाद जो लास्ट इसमें डेफिनेशन है वो है जैसे नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, ये है सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग कैपेसिटी किससे रिलेट करेगी, ये रिलेट करेगी आपके ग्रॉस प्रेशर से। सेफ बियरिंग कैपेसिटी को हम क्यू एस भी लिखते हैं या क्यू सेफ भी लिखते हैं। ठीक है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो है वो रिलेट करी ग्रॉस प्रेशर से। ये भी मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर होगा विच कैन बी अप्लाइड विदाउट द, उसमें था अल्टीमेट में विदाउट शेयर फेलियर, इसमें विदाउट द रिस्क ऑफ द शेयर फेलियर। मतलब क्यू एस विल बी क्यू, जनरली क्यू नेट जो होता है वो माइनस होता है इफेक्टिव स्ट्रेस से, तो ये नेट सेफ इसमें अगर ये होगा तो माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस, तो मतलब ये प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा। नेट सेफ इज क्यू एन यू बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस, देखो यहाँ से देखिए। और इसके बाद नेट अल्टीमेट होगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस इनसे बन जाते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है 2.5 to 3 के बीच में होती है इसमें। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ नेट सेफ लोड पूछा होगा तो नेट सेफ प्रेशर इनटू एरिया इफ, ये आप एक तरह से नोट की टर्म में लिख लो। ठीक है, अगर आपको नेट सेफ लोड पूछा है, नेट सेफ लोड पूछा है, इफ़ यू हैव बीन आस्क्ड नेट सेफ लोड, और अगर पूछा है सेफ लोड, ठीक है, नेट सेफ लोड होगा नेट सेफ प्रेशर इनटू एरिया, और सेफ लोड होगा सेफ बियरिंग प्रेशर इनटू एरिया। और एक और चीज़ है, अगर आपको पूछा है सेफ लोड या अलाउएबल लोड या परमिसिबल लोड, ऑल दीज थिंग्स आर सेम। ठीक है, अलाउएबल इज इक्वल्स टू परमिसिबल इक्वल्स टू सेफ, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, चाहे आपको सेफ लोड पूछ रहे हैं, चाहे आपको अलाउएबल लोड पूछ रहे हैं, चाहे आपको परमिसिबल लोड पूछ रहे हैं, तीनों की तीनों चीज़ें सेम है। अब इसके बाद हम फैक्टर्स पढ़ेंगे जो अफेक्ट करते हैं बियरिंग कैपेसिटी को। बेसिकली हमने डील भी बियरिंग कैपेसिटी से ही करना है सब कुछ। इसके बाद हम बियरिंग कैपेसिटी के मेथड ही डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले टाइप ऑफ शेयर फेलियर भी करेंगे। तो पहले है फैक्टर्स अफेक्टिंग का, नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग का बियरिंग कैपेसिटी। Factors affecting the bearing capacity.
फैक्टर्स अफेक्टिंग द बियरिंग कैपेसिटी. पहला है पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल. अब अगर आपका सपोज वाटर टेबल जो है, इट इज़ नोटेड लाइक दिस, वाटर टेबल इज राइजिंग, वाटर टेबल राइज कर रहा है, तो क्या होगा उससे, उससे बियरिंग कैपेसिटी डिक्रीज करेगी. दिखती बात है, वाटर टेबल राइज करेगा, बियरिंग कैपेसिटी डिक्रीज करेगी. पहला फैक्टर विच अफेक्ट द बियरिंग कैपेसिटी इज पोजिशन ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल. दूसरा है टाइप ऑफ सॉइल एंड इज फिजिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज. मतलब टाइप ऑफ सॉइल एंड इज फिजिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, मतलब आपका गामा सी और फाई, ये सारे इन ये इनके अकॉर्डिंग भी सॉइल वेरी करेगी. अब ठीक है, तीसरा है आपका टाइप ऑफ फुटिंग. टाइप ऑफ फुटिंग कैसी होगी, टाइप ऑफ फुटिंग अगर आपकी इस पे भी वेरी करेगा, स्ट्रिप है, स्क्वायर है, राफ्ट है, उस अकॉर्डिंग भी आपकी बियरिंग कैपेसिटी अफेक्ट करती है. फोर्थ है साइज ऑफ फुटिंग पे भी आपकी बियरिंग कैपेसिटी वेरी करेगी, मतलब जैसे विड्थ क्या है उसकी, डेप्थ डी एफ क्या है, ठीक है. फिर टाइप ऑफ लोडिंग पे भी वेरी करेगी, कंसेंट्रिक लोडिंग है, इसेंट्रिक लोडिंग है, और नेचर ऑफ ग्राउंड पे भी वेरी करेगी, हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड है, इनिशियल स्ट्रेस पे भी करेगी, जैसे इनिशियल स्ट्रेस है मतलब नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है, ठीक है. इन सभी चीज़ों, तीन चीज़ें और है, टाइप ऑफ लोडिंग पे करेगी सबसे पहले, कंसेंट्रिक है या इसेंट्रिक है, और नेचर ऑफ ग्राउंड पे भी करेगी वेरी. नेचर ऑफ ग्राउंड पे कैसे, आपका जो ग्राउंड है वो हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइंड है, नेचर ऑफ ग्राउंड आपका ग्राउंड हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है. और लास्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को, वो है इनिशियल स्ट्रेस. अब इनिशियल स्ट्रेस से आपको पता चलेगा कि सॉइल आपकी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है या ओवर कंसोलिडेटेड है, ठीक है. ये सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को. और वैसे एक और है जो अफेक्ट करता है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को, वो है मोड ऑफ शीयर फेलियर. इसके बारे में तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ेंगे, मोड ऑफ शीयर फेलियर, किस तरह का फेलियर हो रहा है आपका. तीन तरह के शीयर फेलियर हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जनरल शीयर फेलियर, लोकल शीयर फेलियर और पंचिंग शीयर फेलियर. लोकल शीयर फेलियर और पंचिंग शीयर फेलियर, इसके इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ शीयर फेलियर, कौन कौन से शीयर फेलियर वी सी इन द फेलियर में, हम कौन कौन से शेयर फेलियर डिस्कस करते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ शेयर फेलियर. पहला शेयर फेलियर विल बी जनरल शेयर फेलियर. अब जनरल शेयर फेलियर है, अब सपोज आपकी फुटिंग है इस तरह की, ठीक है. अब ये जो फुटिंग है, इस फुटिंग में जनरल शेयर फेलियर हो गया और लोकल शेयर फेलियर हो गया, पंचिंग शेयर फेलियर हो गया. ऐसे जनरली इनको एक ही साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ एक में है वो दूसरे में नहीं होगी, जो दूसरे में होती तीसरे में नहीं होगी, ठीक है. तो चलो अभी जैसा होता है वैसे कर लेते हैं डिस्कस. जनरल शेयर फेलियर में ये किस सॉइल, किस फाउंडेशन में होती है, पहले ये पता होना चाहिए. जनरल शेयर फेलियर हमारी चार पॉइंट्स हैं इसके डिस्कस करने के. पहला है जनरल शेयर फेलियर बेसिकली हमारे शेलो फाउंडेशन में होती है और डेंस सॉइल में होती है. शेलो फाउंडेशन और मीडियम टू डेंस सॉइल में होती है. शेलो फाउंडेशन प्लस मीडियम टू डेंस सॉइल में होती है जनरल शेयर फेलियर, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, फेलियर से पहले जो इसमें सेटलमेंट होती है वो बहुत स्मॉल होती है और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, ठीक है. और जो अब इसमें क्या है, जनरल शेयर फेलियर हम कैसे इसका डिस्कस करते हैं, ये
ये जो जनरल शेयर फेलियर हमारा टर्जागी ने दिया, तो टर्जागी ने इसको बताया, इसमें बताया है कि जिसमें फेलियर होता है वो स्ट्रेस जोन की फॉर्म में होता है। स्ट्रेस जोन मतलब ये ऐसे होता है फेलियर, ये इस तरह से होता है, स्ट्रेस जोन ग्राउंड लेवल तक जा रहा है जनरल शेयर फेलियर में। तो मतलब बिफोर फेलियर दूसरी पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ये इस तरह से ऊपर को जाता है, इसको एक तरह से हीविंग बोल सकते हैं, हीविंग जो है ऊपर को हो रही है। ठीक है, यहाँ पे सपोज फुटिंग में लोड लगेगा, ये आपकी कंक्रीट की फुटिंग होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब इसकी वजह से यहाँ पे अप हीविंग हो जाती है, ठीक है, हीविंग बोल सकते हो आप इसको, इसकी वजह से यहाँ पे हीविंग हो जाती है। ठीक है, तो पहला तो था जनरल शेयर फेलियर होता है हमारे शैलो फाउंडेशन में, और उसमें जो सॉइल होती है किस सॉइल में होता है, मीडियम टू डेंस सॉइल में होता है। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बोलता है बिफोर फेलियर सेटलमेंट इज़ वेरी लेस, और जो स्ट्रेस जोन होता है, जो स्ट्रेस जोन होता है ये एक्सटेंड हो जाता है अब तो ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो बिफोर फेलियर, फेलियर से पहले सेटलमेंट इज वेरी लेस एंड स्ट्रेस जोन एक्सटेंड्स अप टू ग्राउंड लेवल। ठीक है, स्ट्रेस जोन एक्सटेंड्स अप टू ग्राउंड लेवल, और फेलियर में, फेलियर के बाद जो आपका फाउंडेशन होता है वो टिल्ट भी करता है, और उसमें जो आपके जो एडजेसेंट सॉइल है वो हीव भी करती है साइड्स में। ठीक है, तो इसको ऐसा बोल सकते हो, एट द टाइम ऑफ फेलियर, एट द टाइम ऑफ फेलियर सेटलमेंट आपकी टिल्ट करेगी, फाउंडेशन विल गेट टिल्टेड, सॉरी सेटलमेंट नहीं, फाउंडेशन टिल्ट करेगी, फाउंडेशन विल गेट टिल्टेड एंड हीविंग विल ऑकर एट साइड्स। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो होगा लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व में, हमारे को क्लियर कट शो जाता है इसके फेलियर का, इसका जो लोड वर्सेस सेटलमेंट का जो ग्राफ है वो भी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पेज कैसा होगा, लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व, लोड वर्सेस इन लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व क्लियर कट ऑफ फेलियर, क्लियर कट ऑफ फेलियर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, क्लियर कट ऑफ फेलियर इज, इसका जो लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व बनता है वो थोड़ा इस तरह का बनता है, यहाँ पे आपका आ जाएगा लोड और इधर आपकी आ जाएगी सेटलमेंट। ठीक है, तो जो कर्व बनेगा इस तरह से सेटलमेंट होती है, पर आपका क्लियर कट ही ऐसे शो कर देता है, यहाँ पे आपका फेलियर हो गया। ठीक है, दिस शोज दैट यू हैव फेल, दिस यहाँ पे आपको फेलियर वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, जो जो चीज़ें हमने जनरल शेयर फेलियर में पढ़ी थी उसकी अपोजिट या थोड़ी थोड़ी सेम सेम चीज़ें हमारे को, सॉरी लोकल शेयर फेलियर में मिल जाएगी। ठीक है, पहला पढ़ा था हमने वहाँ पे, इट ऑकर्स इन शैलो फाउंडेशन और वो मीडियम टू डेंस सॉइल में होता है, इसमें भी होता ही है, जनरली शैलो फाउंडेशन में ही है, लोकल शेयर फेलियर सीन इन द शैलो फाउंडेशन, पर इसमें जो सॉइल होती है वो होती है मीडियम टू लूज, मीडियम टू लूज, या आप बोल सकते हो सॉफ्ट सॉइल, मीडियम टू लूज या फिर सॉफ्ट सॉइल मिलेगी आपको। और दूसरा है वहाँ पे बिफोर फेलियर क्या होता था, वेरी लेस सेटलमेंट इज़ रिकॉर्डेड, है ना, और जो स्ट्रेस जोन होता है बिफोर फेलियर, वेरी लेस सेटलमेंट, देर इज़ वेरी लेस सेटलमेंट और स्ट्रेस जोन एक्सटेंड्स अप टू द ग्राउंड लेवल। इसमें बिफोर फेलियर क्या है, लार्ज सेटलमेंट आपको ऑब्जर्व होगी और स्ट्रेस जोन विल नॉट एक्सटेंड अप टू द ग्राउंड लेवल, इट विल एक्सटेंड अप टू द बेस ऑफ द फुटिंग। ठीक है,
इस केस में बिफोर फेलियर लार्ज सेटलमेंट देखेगी फुटिंग की, लार्ज सेटलमेंट ऑफ फुटिंग एंड स्ट्रेस जोन डू नॉट एक्सटेंड अप टू द ग्राउंड लेवल, और स्ट्रेस जोन होगा डजेंट एक्सटेंड अप टू द ग्राउंड लेवल, डजेंट एक्सटेंड अप टू ग्राउंड लेवल। और इसका जो थर्ड पॉइंट है जैसे उसमें था एट द टाइम ऑफ फेलियर फाउंडेशन विल गेट टिल्टेड और हीविंग विल ऑकर एट द साइड, इसमें हीविंग विल नॉट ऑकर एट द साइड, ठीक है, इस पॉइंट में हीविंग विल नॉट ऑकर एट द साइड, या होगी भी तो वेरी लेस और वेरी लिटल हीविंग होगी, ऑलमोस्ट नो हीविंग एट साइड्स। और लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व जो इसमें मिलेगा हमारे को उसमें प्रोग्रेसिव फेलियर होगा, उसमें क्लियर कट फेलियर नहीं मिलेगा। इन लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व प्रोग्रेसिव फेलियर इस सीन में प्रोग्रेसिव फेलियर किस तरह का होगा, प्रोग्रेसिव फेलियर होगा जैसे आपकी एक्स एक्सिस में लोड है, यहाँ पे आपकी सेटलमेंट है, तो इसमें जो फेलियर होगा वो इस तरह का होगा, प्रोग्रेसिव सा फेलियर, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव फेलियर, कोई क्लियर कट नहीं मिलेगा, प्रोग्रेसिव बोलेंगे, प्रोग्रेसिव फेलियर, ठीक है। इसके बाद है लास्ट आपका वो है पंचिंग शेयर फेलियर, पंचिंग शेयर फेलियर नाम से पता चल रहा है जो फुटिंग है वो पंच्ड होगी। लोकल शेयर फेलियर और जनरल शेयर फेलियर हमारे को मिलता था शेलो फाउंडेशन में, ये मिलेगा हमारे को किसमें, डीप फाउंडेशन में, डीप फुटिंग में, फाउंड इन डीप फुटिंग, पंचिंग शेयर फेलियर फाउंड इन डीप फुटिंग प्लस इस जनरल में थी हमारी सॉइल मीडियम टू डेंस, शेयर फेलियर में थी लोकल शेयर फेलियर में हमारी सॉइल मीडियम टू लूज, इसमें है हमारी सॉइल इसमें भी मीडियम टू लूज होगी सॉइल या सॉफ्ट सॉइल, ठीक है, इसमें भी मीडियम टू लूज या फिर सॉफ्ट सॉइल होगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान में रखने की है वो ये है, ये जो फुटिंग है हमारी काफ़ी जैसे डीप फुटिंग है, ठीक है, तो इसमें जो नीचे ये सॉइल है ये वाली सॉइल गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल, है ना, पहला पॉइंट द सॉइल बिलो द फाउंडेशन, सॉइल ये जो इसका जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, सॉइल बिलो द फुटिंग गेट्स कट ऑफ फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल, पहली चीज फ्रॉम द एडजेसेंट सॉइल, एंड एक्सेसिव या लार्ज सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड इन अ स्मॉल टाइम, एंड एक्सेसिव या लार्ज सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड इन द एक्सेसिव स्लैश लार्ज सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड इन द स्मॉल टाइम, और जो एडजेसेंट सॉइल मास है रिमेन्स अनचेंज्ड, और इसको आप बोल सकते हो अनस्ट्रेस्ड, जो आपकी एडजेसेंट सॉइल मास है ये अनचेंज्ड होती है या अनस्ट्रेस्ड होती है, ठीक है। तो लास्ट में अगर हम एक इसका लोड वर्सेस सेटलमेंट, लोड है यहाँ पे, यहाँ पे लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व एक और डिस्कस करें, तो पहली चीज़ जनरल शेयर फेलियर ऑलमोस्ट हमारा यहाँ मिलेगा हमारे को विद क्लियर कट फेलियर, ये कौन सा होगा, ये होगा हमारा जनरल शेयर फेलियर, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेसिव फेलियर के साथ लोकल शेयर फेलियर हमारे को यहाँ मिलेगा, ये कौन सा होगा, लोकल शेयर फेलियर विद द प्रोग्रेसिव फेलियर। पंचिंग शेयर फेलियर में भी प्रोग्रेसिव फेलियर होता है और वो हमारे को उसका ग्राफ इस तरह का मिलेगा,
ठीक है, ये कौन सा होगा? पंचिंग शेयर फेलियर। तो इस तरह का इनका कंपैरिजन भी होता है लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व का। इसके बाद जो टॉपिक विल डिस्कस वो होगा मेथड्स टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन दिस फाउंडेशन विल बी मेथड्स टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला मेथड टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी। अब दो तरह के मेथड होते हैं जिनसे बियरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन होती है। पहला है स्टैटिक या एनालिटिक मेथड, है ना, एनालिटिक मेथड, और दूसरा है फील्ड मेथड। फील्ड मेथड में वही है प्लेट लोड टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, तीन तरह के फील्ड टेस्ट होते हैं। पहला है प्लेट लोड टेस्ट, दूसरा है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, और तीसरा है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट विच इज नोटेड बाय CPT। अब जो स्टैटिक मेथड है, इसमें भी तीन थ्योरीज होती है। फर्स्ट थ्योरी इज इलास्टिक थ्योरी, सेकंड थ्योरी इज अर्थ प्रेशर थ्योरी, एंड थर्ड इज प्लास्टिक थ्योरी। ठीक है, इलास्टिक थ्योरी जो है वो स्किल्चर्स एक इक्वेशन है, स्किल्चर्स इक्वेशन के थ्रू मिलती है इलास्टिक थ्योरी। स्पेलिंग देख लेना कुछ इसकी, स्पेलिंग ELCH स्किल्चर्स इक्वेशन कुछ इस तरह की होगी। और जो अर्थ प्रेशर थ्योरी है वो हमने अर्थ प्रेशर ऑफ सॉइल में भी डिस्कस की है, जैसे रैंकाइन हो गया, मोहर हो गया, रैंकाइन थ्योरी, बेल्स थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरीज होगी अर्थ प्रेशर थ्योरी की। और प्लास्टिक थ्योरी में जो कि हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे वो आएंगी। वैसे तो इसमें फेलिनियस थ्योरी भी होगी एक, ठीक है, और जो प्रेंडल थ्योरी जिन्होंने सबसे पहले अपनी थ्योरीज देना स्टार्ट की थी फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, वो प्रेंडल ही थे। उसके बाद जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे जिस थ्योरी में के बारे में, वो होगी फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, टर्ज़ागेज थ्योरी, ठीक है, और स्केम्प्टन के बारे में पढ़ेंगे, स्केम्प्टन्स थ्योरी, और मेयर ऑफ के बारे में पढ़ेंगे, मेयर ऑफ थ्योरी, और IS कोड। ठीक है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में पढ़ने वाली चीज़ वो है टर्ज़ागी, मेयर ऑफ, स्केम्प्टन। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है टर्ज़ागी। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे भी तो टर्ज़ागी के बारे में ही पढ़ेंगे। टर्ज़ागी ने क्या क्या बताया था, टर्ज़ागी ने अपनी एजम्पशन दी थी 11 एजम्पशन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 11 एजम्पशन से। उसके बाद इन्होंने 14 में अपने जोन बनाए थे, जो हमारी जनरल शेयर फेलियर थे उसके अंदर फिर उन्होंने 3 जोन बनाए। उसके बाद इन्होंने अपनी इक्वेशन दी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टिफ फुटिंग के लिए, फिर उसी को हमने मॉडिफाई किया डिफरेंट शेप ऑफ फुटिंग के लिए, फिर उसमें और मॉडिफिकेशन लगे शेयर फेलियर के लिए, और मॉडिफिकेशन लगे अपने वाटर टेबल के अकॉर्डिंग। बस टर्ज़ागी ने बस इतना दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टर्ज़ागी का, इससे कंफर्म अगर फाउंडेशन इंजीनियरिंग है तो इससे क्वेश्चन बनते हैं टर्ज़ागी की थ्योरी से। ठीक है, तो हम टर्ज़ागी की थ्योरी पढ़ेंगे सबसे पहले। टर्ज़ागी की थ्योरी क्या बोलती है, टर्ज़ागी थ्योरी बोलती है इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रेंडल थ्योरी। प्रेंडल ने कंसीडर किया था बेस ऑफ द फुटिंग टू बी स्मूथ, वेयर एज टर्ज़ागी ने कंसीडर किया बेस ऑफ द फुटिंग टू बी रफ। टर्ज़ागी की थ्योरी आपकी
इम्प्रूवमेंट है प्रांड्ल थ्योरी को. टर्जागी ने, प्रांड्ल जी ने कंसीडर किया था बेस ऑफ द फुटिंग टू बी स्मूथ, और टर्जागी जी ने कंसीडर किया जो डिफरेंस है बेस ऑफ द फुटिंग टू बी रफ. जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है इसकी एजम्पशंस, इसके एजम्पशंस इम्पोर्टेंट है. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट, जो आपने पहले ही पढ़ लिया, जो आपने शैलो फाउंडेशन डी फाउंडेशन पढ़ा तो उसमें पहले पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू टर्ज़ागी डेप्थ ऑफ फुटिंग बाय रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फुटिंग टू विड्थ ऑफ फुटिंग शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वन. तो ये बोलते हैं कि शैलो फाउंडेशन में, शैलो फाउंडेशन उसको बोलेंगे, पहली शैलो फाउंडेशन उसको बोलेंगे जिसकी रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ फुटिंग टू विड्थ शुड बी लेस देन इक्वल्स टू वन होगी. और दूसरा ये बोलते हैं जो आपकी बेस ऑफ फुटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, वो रफ होनी चाहिए, बेस ऑफ द फुटिंग शुड बी रफ. और तीसरा ये बोलते हैं जो हमारी फुटिंग इन्होंने कंसीडर की है, कॉन्टिन्यूस की है, जनरली स्ट्रिप की है, जिसमें फुटिंग कंसीडर्ड इज कॉन्टिन्यूस या स्ट्रिप, जिसमें क्या होगा, लेंथ विल बी वेरी मच ग्रेटर देन विड्थ. तो मतलब कि इसमें एनालिसिस जो होगा 2D होगा अलॉन्ग द विड्थ एंड डेप्थ ओनली. मतलब इसमें जो एनालिसिस होगा वो 2D होगा अलॉन्ग विड्थ एंड डेप्थ ओनली. अब एक और चीज़, एट द टाइम ऑफ फेलियर जो हमारी सॉइल है इट विल रीच इन द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम. सॉइल विल रीच इन द एट द टाइम ऑफ फेलियर, एट द टाइम ऑफ फेलियर, ठीक है, सॉइल रीचेस टू प्लास्टिक इक्विलिब्रियम. प्लास्टिक इक्विलिब्रियम मतलब ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर. और जैसे कि हमने पढ़ा ही है पहले ही शैलो फाउंडेशन में भी, हम इन जनरली, अच्छा इसमें जनरल शेयर फेलियर कंसीडर होगा. तो मतलब फेलियर इज जनरल शेयर फेलियर, फेलियर इज जनरल शेयर फेलियर. फिर जनरल शेयर फेलियर के इन्होंने बाद में जोन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है. अब इन्होंने बोला है, अब हम जनरल शेयर फेलियर में पढ़ते हैं स्ट्रेस जोन एक्सटेंड्स अप टू द ग्राउंड लेवल, पर टर्ज़ागी ने बोला है स्ट्रेस जोन एक्सटेंड अप टू द फाउंडेशन लेवल ओनली, नॉट अप टू द ग्राउंड लेवल. तो ये ध्यान में रखना है इसमें, स्ट्रेस जोन एक्सटेंड्स अप टू फाउंडेशन लेवल ओनली. ये थोड़ी जनरल शेयर फेलियर जो हम पहले पढ़ते हैं उससे थोड़ा इसमें वेरी कर जाता है. ये जो हमारी शेयर रेजिस्टेंस है अबव द फाउंडेशन वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम इसमें जो है सिर्फ इसमें बेस रेजिस्टेंस और साइड, इसमें खाली बेस रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, सिर्फ बेस रेजिस्टेंस लेते हैं, ओनली बेस रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड, बेस रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड, तभी हम जो शेयर रेजिस्टेंस है अबव द फुटिंग वो कंसीडर ही नहीं करते हैं तभी. और यही रीज़न है, दिस इज़ ओनली रीज़न टर्ज़ागी की थ्योरी हमारी डी फाउंडेशन के लिए अप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि हम साइड रेजिस्टेंस कंसीडर ही नहीं करते हैं, ठीक है. इसको आप नोट की तरह भी लिख सकते हो, नोट की तरह लिख सकते हैं इसको, जो टर्ज़ागी थ्योरी इज़ नॉट अप्लीकेबल फॉर डी फाउंडेशन, टर्ज़ागी theory is not applicable for deep foundation, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी assumption होगी वो होगी जो आपका soil होता है above the foundation level वो remove कर दिया जाता है and उसमें equivalent surcharge apply करते हैं. Soil above foundation, ये assumption है टर्ज़ागी, above foundation is removed and equal surcharge, equal surcharge Q equals to gamma DF का equal surcharge is applied, ठीक है, surcharge होता है Q equals to gamma DF का. इसके बाद जो next है load जो होगा उसमें वो vertical और concentric होगा, लोड इज इसमें वर्टिकल और कंसेंट्रिक होगा, सेंट्रिक नहीं होता है, वर्टिकल और कंसेंट्रिक होगा, कंसेंट्रिक होगा इसमें लोड. और जो ग्राउंड सरफेस होगा, ग्राउंड लेवल जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, ग्राउंड लेवल इज हॉरिजॉन्टल,
इस केस में, और वाटर टेबल का इफेक्ट कंसीडर नहीं होगा, वाटर टेबल का इफेक्ट इज नॉट कंसीडर्ड। ये सारी आपकी एजम्पशंस हैं, सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है आपके इसके लिए, टर्जा की थ्योरी को समझने के लिए। और अब जो हमने समझने हैं ये इसके जोन समझने हैं जो टर्जागी ने जनरल शेयर फेलियर में डाले हैं। सपोज ये आपकी फुटिंग है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है इसमें, इन टर्जागी ने इसको तीन जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। पहली जोन तो ये हो जाएगी बिलो द फुटिंग, और दूसरी जोन जो है वो स्ट्रेस जोन की फॉर्म में इट विल, दूसरी जोन मतलब ऐसा स्ट्रेस जोन है, दूसरी जोन ये इंक्लाइंड होगी एजेस ऑफ द फुटिंग से। ये आपकी फर्स्ट जोन है, ये दोनों दूसरी सेकंड जोन है, और ये दिस इज़ द थर्ड जोन, ठीक है। इसमें हम जोन वन को क्या बोलते हैं, इसमें हम जोन वन को जो बोलते हैं वो बोलते हैं सेंट्रल जोन। वी कॉल जोन वन एज सेंट्रल जोन, सेंट्रल जोन। जोन वन में इलास्टिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। बस एक चीज ध्यान में रखनी है, इसमें इलास्टिक इक्विलिब्रियम होता है। जोन टू में हमारा प्लास्टिक इक्विलिब्रियम होता है। चलो जोन वन इज ऑफ, इसमें क्या कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, इलास्टिक इक्विलिब्रियम। पहले इसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जोन टू जो है वो रेडियल शेयर जोन है, जोन फोर जो है, जोन टू जोन थ्री है पैसिव जोन और लीनियर शेयर जोन। जोन टू इज आपकी रेडियल शेयर जोन। अब इसमें आपकी प्लास्टिक इक्विलिब्रियम होगा, और प्लस फेलियर सरफेस जो है जोन टू का वो सर्कुलर होगा क्ले सॉइल में, और लॉग स्पायरल होगा सैंड और सिल्ट में। फेलियर सरफेस जो जोन टू का होगा वो सर्कुलर होगा क्ले सॉइल में, और लॉग स्पायरल होगा किसमें, सैंड और सिल्ट में। तो ये भी आप देखना, ये सेंट्रल जोन है, रेडियल शेयर जोन है, और ये रैंकाइन पैसिव जोन और लीनियर शेयर जोन है। पहली बात, इसमें प्लास्टिक इक्विलिब्रियम होगा, और दूसरी चीज़ इसमें जो फेलियर सरफेस होगा जोन टू में सर्कुलर होगा क्लेई सॉइल में, और लॉग स्पायरल होगा सैंड और सिल्ट में। फेलियर सरफेस इज सर्कुलर इन क्लेई सॉइल एंड लॉग स्पायरल इन सैंड एंड सिल्ट। और थर्ड इज जोन थ्री, जैसे हमने जनरली वहाँ को पता है, जोन थर्ड इज पैसिव शेयर जोन और पैसिव रैंकाइन पैसिव जोन और लीनियर शेयर जोन। जोन थ्री इज रैंकाइन पैसिव जोन और लीनियर शेयर जोन। बस इसमें ये देख रहे, ध्यान रखें, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 माइनस 5/2 विद द हॉरिजॉन्टल। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 माइनस 5/2 विद द हॉरिजॉन्टल। इसमें एक चीज और भी ध्यान में रखना, जो सपोज ये आपकी डेप्थ ऑफ द फुटिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो स्ट्रेस जोन है ना, ये आपकी ये होगी स्ट्रेस जोन पूरी। ये दिस स्ट्रेस जोन एक्सटेंड्स अप टू द मैक्सिमम, कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है ये स्ट्रेस जोन, अप टू द विड्थ ऑफ द फुटिंग, ठीक है। दिस स्ट्रेस जोन मैक्सिमम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकती है, ये विड्थ ऑफ द फुटिंग तक एक्सटेंड कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ हमने वो टर्जागी की इक्वेशन डिस्कस करनी है, टर्जागी इक्वेशन ऑफ अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी, या फिर आप सीधा देख लो टर्जागीज इक्वेशन। ठीक है, टर्जागीज इक्वेशन फॉर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी।
जैसे आगे ने क्वेश्चन दी है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की, ये अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी की है क्यू एन सी, क्यू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ये जो इक्वेशन दी है ये आप लिखिए लोटर्स आगे से इक्वेशन फॉर किसके लिए अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, और ये स्टिफ फुटिंग के लिए दी है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, क्योंकि उन्होंने अपनी एजम्पशन में ही बोल दिया है कि लेंथ स्टिफ और कॉन्टीन्यूस फुटिंग जो होगी आपकी, मतलब लेंथ विल बी वेरी वेरी मच ग्रेटर, वेरी मच ग्रेटर देन फुटिंग जो होगी आपकी कॉन्टीन्यूस स्टिफ फुटिंग के लिए होगी, जिसकी लेंथ वेरी मच ग्रेटर देन विड्थ होगी, तभी हमने 2D एनालिसिस स्टार्ट किया जिसमें विड्थ और डेप्थ लेंगे। तो आगे इस इक्वेशन फॉर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, और ये होगी स्ट्रिप फुटिंग के लिए, खाली स्ट्रिप फुटिंग के लिए, उसके बाद हम मॉडिफिकेशन लगाएंगे डिफरेंट शेप ऑफ फुटिंग के लिए, ठीक है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो आगे इस इक्वेशन फॉर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर स्ट्रिप फुटिंग, अब इसमें देखना है जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू यू इक्वल्स टू सी एन सी प्लस क्यू जो है सरचार्ज है जो कि गामा डी एफ होता है, और ये एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ठीक है। ये इसमें फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है, ये इसकी थर्ड टर्म है, ये ध्यान में रखना। तो बोलने का ये मतलब है जो सेकंड टर्म का गामा है ये होगा अबव द बेस ऑफ द फुटिंग में, मतलब फुटिंग के ऊपर जो भी सॉइल होगी उसका गामा होगा, और जो थर्ड टर्म का जो गामा होगा दैट विल बी बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग, जो भी सॉइल बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग होगी उस गामा, वो वाला गामा होगा थर्ड टर्म का गामा, ये वाला गामा। तो आप नोट में लिख लीजिए सेकेंड टर्म गामा इज अबव इज फॉर above is for above the footing, above the base of footing, base of footing से ऊपर वाला जो भी soil होगा उसका second term का gamma होगा, और third term gamma is for below the base of footing, is below the base of footing, second term gamma और third term gamma, पता लग गए किस किस soil के लिए use होते हैं, calculation में बहुत important है। और इसमें special case है एक, there is a special case also for pure cohesive soil, अब pure cohesive soil में आपका 50 होता है, for pure cohesive soil लगाओ ज़रा ये equation कॉमा 5 जिसमें 0 होगा, हाँ उससे पहले अगर 50 होगा तो आप कर ही नहीं सकते जब तक आपको यही नहीं पता है एन सी एन क्यू एन गामा, एन सी एन गामा और एन क्यू एन की एन सी एन क्यू एन एन गामा आर ट्रेजागिस बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर विच आर डिपेंडेंट अपॉन द फाई, इनका ट्रेजागी ने इन रिलेशन निकाला है फाई से, बस आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे लिख लो एन सी एन क्यू एन गामा आर ट्रेजागी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट होते हैं फाई पे, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं फाई पे, ठीक है। तो फिर इस स्पेशल केस में आपका फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल के स्पेशल केस में आपका जो एन सी की वैल्यू आती है वो 5.7 आती है, एन क्यू की वैल्यू आती है 1, और एन गामा की वैल्यू आती है 0। तो उस केस में आपका जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 5.7 सी प्लस गामा डी एफ एन क्यू, एन क्यू इज़ 1, 5.7 प्लस गामा डी एफ और ये 0, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल। अगर आपने निकाला नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपको पता है वो होता है क्यू यू माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं गामा डी एफ, है ना, जिसको हम बोलते हैं गामा डी एफ। तो हम इसको लिखेंगे तो ये माइनस ये सब ये दोनों कट हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 5.7 सी। तो नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज 5.7, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कहीं पर, कई बार क्या बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल अकॉर्डिंग टू ट्रेजागिस इक्वेशन निकाली है, ये 5.7 सी है, ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखी है। अब इसके बाद हमने एजम्पशन में पढ़ा है कि ट्रेजागी थ्योरी बोलती है कि जो
इसमें हम बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, जो भी हम हमारा वाटर टेबल है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो हम मॉडिफिकेशन लगाएंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इन्होंने स्ट्रिप फुटिंग के बारे में दिया, तो पहली मॉडिफिकेशन हम लगाएंगे शेप ऑफ द फुटिंग के लिए। फर्स्ट मॉडिफिकेशन फॉर शेप ऑफ फुटिंग, मॉडिफिकेशन फॉर शेप ऑफ फुटिंग, फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज फॉर द शेप ऑफ फुटिंग। अब सपोज स्ट्रिप के लिए तो इन्होंने दिया ही है, फिर स्क्वेयर होगा, ठीक है फिर स्ट्रिप, स्क्वेयर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर या राफ्ट, इन सब फुटिंग के लिए आपका मॉडिफिकेशन विल बी अप्लाइड, ठीक है। अब देखिए स्ट्रिप के लिए जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है वह सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा डी एफ एन गामा, ये है ना, प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, सॉरी गामा बी एन गामा, गामा बी एन गामा, ठीक है। अब जैसे स्क्वेयर आ जाएगा, स्क्वेयर के लिए आपकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विल बी क्यू इक्वल्स टू 1.3 सी एन सी, क्यू एन क्यू विल रिमेन सेम, क्यू एन क्यू प्लस 0.5 की जगह ये रिड्यूस होना स्टार्ट कर जाएगी, गामा बी एन गामा। स्क्वेयर और सर्कुलर के लिए ऑलमोस्ट सेम है आपका फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, 1.3 सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू, बस ये आपका रिड्यूस होना कंटिन्यू रहेगा, 0.3 गामा बी एन गामा। अब इसके बाद जो रेक्टेंगुलर और राफ्ट फुटिंग है उसमें स्क्वेयर सर्कुलर का ही लगेगा, बस उसको थोड़ा सा ना जैसे होता है एक इट इज़ थोड़ा जैसे वैल्यूज ही सेग्रीगेट कर दी गई, जैसे 1.3 को हमने कर दिया 1 + 0.3 बी बाय एल, ठीक है, ये आ गया, तो ये हो गया सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू विल बी सेम, सेकेंड टर्म सभी में सेम रहेगी, और इसमें इसमें 0.3 इसमें रिडक्शन होगी और 0.2 की 1, और वो भी सेग्रीगेटेड 1 - 0.2 बी बाय एल, है ना, और फिर मल्टीप्लीकेशन होगी स्ट्रिप के साथ ही, मतलब 0.5 गामा बी एन गामा, ये बनेगा आपका रेक्टेंगुलर और राफ्ट फुटिंग का मॉडिफिकेशन फैक्टर फॉर अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का ये वाला रिलेशन बनेगा, बनाइए सारा स्ट्रिप फुटिंग से, एक बार आपको स्ट्रिप फुटिंग पता है फिर आपको सभी सर्कुलर, स्क्वेयर, सर्कुलर, राफ्ट पता चल जाएंगे। बस फर्स्ट टर्म इनमें इंक्रीज कर, फर्स्ट टर्म इनमें कॉन्स्टेंट रहेगी और लास्ट में वो सेग्रीगेट करके 1 + 0.3 बन जाएगी, और लास्ट टर्म थर्ड टर्म जो है 0.5 से 0.4 0.3 0.2 तक 0.2 वाली जो है वो सेग्रीगेटेड होगी, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब ऐसे हम मॉडिफिकेशन लगाएंगे, ये हमारे जनरली जो तेजागी की क्वेश्चन है ये जनरल शेयर फेलियर के लिए यूज़ होती है, पर जब हमने इसको शेयर फेलियर में यूज़ करना होगा तो उसके लिए एक मॉडिफिकेशन लगेगी, मॉडिफिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन फॉर शेयर फेलियर, तो उसमें जो शेयर पैरामीटर्स होंगे वो होंगे सी एम और फाई एम, ठीक है। मॉडिफिकेशन फॉर शेयर फेलियर में तो जो मोबिलाइज कोहिजन होगा वो 2/3 ऑफ सी होगा, और मोबिलाइज फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ जो होगी वो भी 2/3 ऑफ 10 फाई होगी, ठीक है। जब हम मोबिलाइज फ्रिक्शनल एंगल निकालना होगा तो वो होगा 10 inverse 2/3 ऑफ 10 फाई। सपोज हम मतलब एक जनरल केस लेते हैं, वी हैव टू फाइंड नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। पहली बात हमें फाइंड करनी नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी किसके लिए, क्ले के लिए जो कि होती है प्योर कोहेसिव सॉइल, और टाइप ऑफ फुटिंग विल बी स्क्वेयर या स्क्वेयर, ठीक है, और उसमें फेलियर हो रहा है लोकल शेयर फेलियर, इसमें आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है।
तो इसमें ध्यान रखना है नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी माइनस इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस इज गामा इनटू डेप्थ ऑफ फुटिंग। पहले बात हमने अल्टीमेट बेयरिंग स्ट्रेस निकालो, अल्टीमेट बेयरिंग स्ट्रेस प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए हमारे को पता होना चाहिए, प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए एन सी इक्वल्स टू 5.7, एन क्यू इज इक्वल्स टू 1 एंड एन गामा इज इक्वल्स टू 0। तो वहाँ से सीधी बात सी एन सी होता था, तो सी एन सी 5.7 सी प्लस गामा इंटू डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है। ये आगे हमारा अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी किसके लिए, जनरल शेयर के लिए, जनरल शेयर के लिए। जब अगर हमने लोकल शेयर के लिए निकालना है इसको, तो सी की जगह सी एम आ जाएगा, तो 5.7 इंटू 2/3 सॉरी हाँ मतलब सी एम आ जाएगा, तो इट विल बी 2.3 सी प्लस गामा डी एफ, ये आएगा लोकल शेयर, ये आ गया लोकल शेयर। इसके बाद नेट अल्टीमेट निकालना है, नेट अल्टीमेट विल बी 5.7 इंटू 2/3 सी प्लस गामा डी एफ माइनस गामा डी एफ, तो मतलब यही आएगा नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के लिए 5.7 इंटू 2/3 ऑफ सी, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग से, अगर आपको सभी चीज़ें माइंड आप सभी चीज़ें अगर आपके माइंड में है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल है, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, चलो हमने इसका थोड़ा सा डिस्कशन जो बेसिक है वो पहले ही किया हुआ है, मॉडिफिकेशन फॉर इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, मॉडिफिकेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। इस केस इसमें क्या होगा, इसमें तीन, इसमें जनरली तीन केस होंगे, तीन केस हम बना भी देते हैं। सपोज ये आपकी फुटिंग है, ये उसकी विड्थ है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट जोन है, ये विड्थ जितना आपका सेकंड जोन है, और नीचे आपका थर्ड जोन है, ठीक है। ये आपका जोन वन है, ये जोन टू है, और ये है जोन थ्री, ठीक है। ये आपकी डेप्थ ऑफ फुटिंग, ये आपका जिसमें आपका शेयर फेलियर लगता है, बी मैक्सिमम बी तक लगता है, और तीसरा आपकी चलो सपोज कोई भी जेड वन डेप्थ है विच इज़ ग्रेटर देन विड्थ, जेड वन यहाँ से यहाँ तक रख लो आप, कोई भी यहाँ तक, ठीक है। अगर आपका वाटर टेबल इज़ इन जोन, मतलब यहाँ इन सभी जोन में वाटर टेबल है, अब इस जोन में अगर वाटर टेबल है, इफ़ वाटर टेबल इज़ इन जोन वन प्लस जेड वन इज़ ग्रेटर देन बी, तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा वाटर टेबल का आपके अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी पे, ख़त्म बात। अगर वाटर टेबल आपका जोन टू पे है, मतलब कि जो आपकी जेड टू की वैल्यू है, जेड टू होगा यहाँ से यहाँ तक, जेड टू होगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब अगर आपका वाटर टेबल जोन टू पे है, तो उस केस में आपका थर्ड गामा चेंज करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पहले बताया हुआ है, यहाँ देखो थर्ड टर्म गामा इज बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग, मतलब इस केस में जो थर्ड टर्म का गामा है दैट विल चेंज। अब वो चेंज कैसे होगा वो भी समझना है कंसेप्ट, थर्ड टर्म गामा विल चेंज, अगर जो आपकी वाटर टेबल है जोन वन में होगा तो वन में होगा तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म गामा विल चेंज, अगर आपका वाटर टेबल आपकी फर्स्ट जोन में है बोथ गामा विल चेंज, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि कैसे चेंज होगा, तो वो चेंज कैसे होगा वो हमने पहले एक पढ़ा था जब हमने सीपेज, जब हमने स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स में थर्ड केस पढ़ा था सबमर्ज सॉइल का, जब सीपेज हो रही थी नीचे से, ठीक है, उस केस में हमने क्या पढ़ा था, उस केस में हमने एवरेज स्ट्रेस पढ़ा था, वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस और एवरेज स्ट्रेस दो तरह की अप्रोच होती है, ठीक है। तो इसमें इफेक्टिव स्ट्रेस जो होगा वो होगा कैसे निकलेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस वो होगा
मान लो हम आपकी सेकंड जोन में सॉरी वो है वाटर टेबल है, तो इस केस में क्या होगा, गामा सबमर्ज्ड यहाँ से नीचे गामा सबमर्ज्ड आ जाएगा, ठीक है, गामा सबमर्ज्ड इनटू बी माइनस जेड टू प्लस इधर उससे ऊपर तो गामा बल्क होगा, गामा बल्क इनटू जेड टू इज द ये गामा बल्क वाला होगा डिवाइड बाय बी, ये आएगा इफेक्टिव एवरेज भी होगा, पर उसमें हमारे को फिर एक और करेक्शन फैक्टर लगाना पड़ेगा, तो बेटर है कि आप इसी वाले को ध्यान में रखो, मतलब कि वाटर टेबल से नीचे आपने सबमर्ज लेना है और ऊपर आपने बल्क लेना है, ये वेटेड एवरेज की तरह एक तरह से इफेक्टिव गामा, ठीक है। अब इसमें भी फर्दर आपने ध्यान रखना है, अगर आपका वाटर टेबल सपोज आपकी जेड टू की वैल्यू, अगर आपका वाटर टेबल एट द बेस ऑफ द फुटिंग में है, बेस ऑफ द फुटिंग में है, तो जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे गामा इफेक्टिव विल कम गामा गामा समर्ज, अगर जेड टू इज एट बेस ऑफ फुटिंग, ठीक है, अगर गामा इफेक्टिव इक्वल्स टू गामा, अगर जेड टू इज एट बी डिस्टेंस बिलो बेस ऑफ फुटिंग, ठीक है, ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। वैसे ही थर्ड के केस में भी, अगर थर्ड में भी कहाँ पे वाटर टेबल आ रहा है, अगर वाटर टेबल से ग्राउंड सरफेस से दोनों जो गामा इफेक्टिव है दैट विल बी कन्वर्टेड टू गामा सबमर्ज्ड, ये भी ध्यान में रखनी है चीज़, क्यों जैसे यहाँ पे सेकेंड जोन के केस में जब ये वाला वाटर टेबल बेस ऑफ द फुटिंग में आ गया तो आपका जो थर्ड टर्म का गामा है दैट गेट कन्वर्टेड इन टू द गामा सबमर्ज्ड, वैसे ही जब आपका सेकेंड जोन में होगा तो ये तो गामा ये तो सबमर्ज रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये ऊपर ऊपर चले गए आपका वाटर टेबल, अब जब ये ऊपर जाते जाते सरफेस पे पहुंच जाए ग्राउंड सरफेस पे तो दोनों गामा इफेक्टिव विल बी कन्वर्टेड इन टू गामा सबमर्ज, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसमें मॉडिफिकेशन फॉर द इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल में, ठीक है। इसके बाद आपकी स्केम्पटन थ्योरी है, यहीं तक आपका टर्ज़ागी का था, इसके बाद है स्केम्पटन थ्योरी। स्केम्पटन थ्योरी बोलती है पहली चीज़ दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर क्ले, और दूसरा इसमें साइड रेजिस्टेंस और बेस रेजिस्टेंस दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है, तो ये मतलब कि ये डी फाउंडेशन के लिए। पहली चीज एप्लीकेबल फॉर प्योर क्ले, और दूसरी चीज़ इसमें ये फेलियर जो होता है ड्यू टू बेस रेजिस्टेंस और साइड रेजिस्टेंस दोनों की वजह से होता है, बेस रेजिस्टेंस प्लस साइड रेजिस्टेंस हैंस एप्लीकेबल फॉर हैंस एप्लीकेबल फॉर आपकी डी फाउंडेशन डी फुटिंग हैंस एप्लीकेबल फॉर डी फुटिंग। तो इसमें नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो आपकी निकलेगी वो CNC वैसे ही निकलेगी, ठीक है। स्केम्पटन में बस इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है इसकी टाइप ऑफ फुटिंग से कैसे आपकी जो NC की वैल्यू वेरी करेगी, बस NC की वैल्यू वेरी करती है, जैसे स्ट्रिप फुटिंग है आपकी, स्ट्रिप फुटिंग है एक, फिर स्क्वायर और सर्कुलर दोनों की सेम ही होगी NC की वैल्यू, और रेक्टेंगुलर और राफ्ट की भी सेम होगी, रेक्टेंगुलर स्लैश राफ्ट, ठीक है। एनसी की वैल्यूज देखनी है आपने यहाँ पे जीरो, इसमें क्या होगी स्ट्रिप में 5 इंटू 1 प्लस पॉइंट टू डी एफ बाई वी, 1 प्लस पॉइंट टू डी एफ बाई वी, इसमें क्या होगी 5, इसमें 5 और इसमें 6, इसमें भी फिर से 5 पर इसमें सेग्रीगेट हो जाएगी वैल्यू, इसमें क्या है कि एन सी इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस पॉइंट टू डी एफ बाय बी, अब इसमें फिर से आ जाएगी 5 इंटू 1 प्लस पॉइंट टू डी एफ बाय बी प्लस 1 प्लस पॉइंट टू बी बाय एल, इसमें दो 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 चीज़ें आएगी, ठीक है। बस इसमें एन सी की वैल्यूज ध्यान में होगी तो बाकी फॉर्मूला सेम लगा के यू विल गेट दी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस वेल। ऐसे ही मेयर ऑफ थ्योरी है
मेयर ऑफ थ्योरी इज द मोस्ट जनरलाइज थ्योरी. इसमें शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर और इंक्लिनेशन फैक्टर का एडिशनली यूज हो जाता है टर्जागीज इक्वेशन में. और इस थ्योरी में बेस रेजिस्टेंस, शेयर रेजिस्टेंस दोनों के थ्रू फेलियर होता है. तो मतलब दिस फुटिंग इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर बोथ शेलो फुटिंग एंड डीप फुटिंग. तो इसमें जो हम अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, जो हमारा जनरल फॉर्मूला था सीएनसी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, बस इसमें एस सी डी सी आई सी लग जाएगा, इसमें एस क्यू डी क्यू आई क्यू लग जाएगा, इसमें एस गामा डी गामा और आई गामा लग जाएगा, शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर और इंक्लिनेशन फैक्टर. और जैसा कि आपको पता है जो एन सी एन क्यू एन गामा वेरी करते हैं आपके फाई पे, ठीक है. अगर फाई ज़ीरो होगा इस केस में एन सी विल कम आउट टू कम विल बिकम 5.14, एन क्यू वन और एन गामा ज़ीरो. तो अगर मेयर ऑफ के अकॉर्डिंग आपको अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी किसी भी कोहेसिव सॉइल की पूछेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू 5.14 सी प्लस गामा डी एफ. और नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू मेयर ऑफ विल बी 5.14 सी, ठीक है, क्योंकि माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा गामा डी एफ. इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो है, अब आ जाएगा आपका फील्ड टेस्ट. फील्ड टेस्ट का कौन पेंट्रेशन अपना प्लेट लोड टेस्ट. प्लेट लोड टेस्ट में जो ध्यान में रखने वाला है फेलियर ध्यान में रखने का है. फेलियर शेयर फेलियर स्टार्ट होगा कैसे, फास्ट अगर आपका जो सेटलमेंट है फुटिंग की वो सडनली और इफ इट इज़ इन द फास्टर रेट वो किस में होगी, अगर वो होगी अगर डेंस और स्टिफ सॉइल में होगी. अगर फास्टर रेट तो वो बोलने का ये है, मतलब जो आपका शेयर फेलियर है ये ऑकर होगा अपना व्हेन प्लेट, शेयर फेलियर विल ऑकर व्हेन प्लेट स्टार्ट सेटलिंग फास्टर और सडनली इन डेंस और डेंस सॉइल में, ठीक है. और इट और वो प्रोग्रेसिव फेलियर और जो सेटलमेंट होगी वो स्लो होगी किस सॉइल में, लूज और स्टिफ सॉइल में. यही है बस इसमें ध्यान रखने का प्लेट लोड टेस्ट में. इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर फुटिंग से. अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर फुटिंग मतलब अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर फुटिंग एज पर शेयर क्राइटेरिया, और अलाउएबल और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी फॉर फुटिंग एज पर आपका सेटलमेंट क्राइटेरिया. दो चीज़ें हैं, इनको मैं एक साथ ही कर लेता हूँ. पहला है अल्टीमेट, इसके बहुत न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में. अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर फुटिंग, फॉर फुटिंग जिसको डिनोट करते हैं क्यू यू एफ से, एज पर शेयरिंग क्राइटेरिया. इस केस में क्या है, अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर जिसको हम डिनोट करेंगे फॉर फुटिंग, फुटिंग को ही क्यू ए एफ से डिनोट करेंगे, एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया, एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया, ठीक है. अब देखो क्ले के केस में क्या होगा, क्ले के केस में अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर फुटिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ ऑफ फुटिंग, इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ ऑफ फुटिंग. तो मतलब क्यू यू एफ इज इक्वल टू क्यू ए एफ क्ले के केस में, ठीक है. और सैंड के केस में वो डिपेंडेंट अपॉन द, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द विड्थ ऑफ फुटिंग. तो वो हो जाएगा क्यू यू एफ इज इक्वल टू क्यू ए एफ इन टू बी एफ बाय बी पी, ठीक है. वैसे ही क्ले के केस में अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ विड्थ ऑफ फुटिंग, तो इसमें क्यू ए पी होगा, मतलब अलाउएबल बेयरिंग प्रेशर फॉर प्लेट लोड टेस्ट जो हम करेंगे उसमें. और सैंड के केस में क्यू ए सॉरी ए एफ इज इक्वल्स टू डिपेंडेंट अपॉन द विड्थ ऑफ फुटिंग, मतलब क्यू ए पी इन टू बी एफ बाय बी पी. अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी और अलाउएबल बियरिंग प्रेशर सेटलमेंट प्रेशर ये ध्यान में रखना है एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया.
allowable bearing pressure. As per settlement criteria, allowable bearing pressure for as per settlement criteria. अगर आपको allowable bearing pressure as per settlement check करना है, if you want to check allowable bearing pressure as per settlement, इसी में allowable bearing pressure as per settlement check करना है, तो suppose dense sand के लिए वो सेटलमेंट की वैल्यू क्या आएगी, डेंस सैंड के लिए इट विल बी एस एफ बाय एस पी इक्वल्स टू बी एफ इंटू बी पी प्लस 0.3 डिवाइड बाय बी पी इंटू बी एफ प्लस 0.3 का होल स्क्वायर. ये डेंस सैंड के लिए है ना, बी एफ एंड बी पी इज इन द मीटर. और अगर सिल्ट के लिए चेक करना है क्या अलाउएबल बियरिंग प्रेशर और सेफ सेटलमेंट प्रेशर, मतलब सेटलमेंट के केस में, सेटलमेंट की टर्म में, सेटलमेंट ऑफ फूटिंग बाय सेटलमेंट इन प्लेट लोड टेस्ट इज इक्वल्स टू बी एफ बाय बी पी, बी एफ बाय बी पी इंटू एन प्लस 1. सिल्ट के केस में एन की वैल्यू 0.5 होती है, ठीक है. इसके बाद आपका एक हॉजल्स अप्रोच है, हॉजल्स अप्रोच है जो कि एरिया और पेरीमीटर पे डिपेंडेंट होती है. हॉजल्स अप्रोच जो है ये भी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए यूज होती है. क्यू इज इक्वल्स टू ए एम प्लस पी एन. इस मेथड में प्लेट लोड टेस्ट इज कंडक्टेड इन टू डिजिट प्लेट्स ऑफ एरिया ए वन एंड ए टू और पी वन पी टू, जिसमें हम एम और एन की वैल्यूज निकालते हैं और उसके बाद ए एफ और मतलब फेलियर और फेलियर एरिया फेलियर पैरामीटर पे इसका इक्वेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है. इसमें ए एंड पी इज द एरिया एंड पैरामीटर और एम और एन जो है ये कांस्टेंट है विच डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, जिसमें एम जो है आपका बियरिंग प्रेशर है बिलो फुटिंग, एम इज बियरिंग प्रेशर बिलो फुटिंग, ठीक है. और एन इज पेरीमीटर शेयर, एन इज पेरीमीटर शेयर, ठीक है. इसके बाद आपका अनदर फील्ड टेस्ट है जिसका जो यूज जो है एसपीटी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट. स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट फिर थोड़ा इम्पोर्टेंट है. इसमें क्या है, हम बेसिक इसमें स्प्लिट स्पून सैम्पलर यूज करते हैं बोर होल्स में, जो कि 55 to 150 mm के आसपास का डायमीटर होता है इस बोर होल का. सैम्पलर यूज़ करते हैं टू ड्राइव द डायनेमिक मैकेनिज्म ऑफ हैमर, और जो वेट ऑफ द हैमर होता है इस पेनिट्रेशन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए 65 kg का होता है, और हाइट जो होती है हैमर की वो 75 cm के आसपास होती है. पर जो चीज़ ध्यान में रखने वाली है इस टेस्ट में वो ये है, इस टेस्ट में हम SPT नंबर फाइंड आउट करते हैं इस टेस्ट में, जो कि नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ हैमर से फाइंड आउट होता है. नंबर ऑफ ब्लोज ऑफ हैमर रिक्वायर्ड फॉर 300 mm पेनिट्रेशन ऑफ सैम्पलर. और इसमें क्या ध्यान में रखना होता है चीज़, हर मतलब इस टेस्ट को हम जनरली ये टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं ये 3 stage में करते हैं विद 150 mm की ब्लोज के थ्रू, ठीक है. इसमें 150 mm पेनिट्रेशन यूज़ होता है, सॉरी 150 mm पेनिट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं इसमें नंबर ऑफ़ ब्लोज. तो जनरली क्या है, ये जो हम इसमें नंबर ऑफ़ ब्लोज फाइंड आउट करते हैं रिक्वायर, जो हमारा SPT नंबर फाइंड आउट करते हैं, वो लास्ट 300 mm पेनिट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो इसमें देखो, यूजुअली दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन 3 stages 150 mm ईच, ठीक है. और SPT नंबर इज टेकन एज नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड फॉर, और जो SPT नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ब्लोज फॉर लास्ट 300 mm पेनिट्रेशन,
ठीक है, तो मतलब फर्स्ट 150 एमएम पेनिट्रेशन का कोई यूज़ ही नहीं है इसमें, ये यहाँ से समझ सकते हैं इसका बेसिक एक क्राइटेरिया, इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। और ये जो टेस्ट है कंडक्ट किया जाता है एवरी 2 to 5 मीटर इंटरवल और एट द चेंज ऑफ स्ट्रेटा। इस टेस्ट को हम करते हैं एवरी 2 to 5 मीटर इंटरवल और जब हमारा व्हेन स्ट्रेटा चेंजेस, और जब हमारा स्ट्रेटा चेंज करता है। अब इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है एसपीटी टेस्ट में वो आप मैं यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, वो चीज़ है करेक्शन। क्वेश्चन इधर से ही आता है करेक्शन से, दो तरह की करेक्शन होती है एसपीटी नंबर। देखो द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एसपीटी नंबर इज सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टू करेक्शन, मतलब जो भी आपके एसपीटी नंबर की वैल्यू आएगी उस पर दो तरह की करेक्शन लगेगी, एक ओवरबर्डन करेक्शन और एक वाटर टेबल करेक्शन। तो जो करेक्शन जिस जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो दो तरह की करेक्शन लगती है, पहली ओवरबर्डन करेक्शन, पहली लगेगी ओवरबर्डन करेक्शन और दूसरी आपकी लगेगी डायलेटेंसी करेक्शन, वाटर टेबल या डायलेटेंसी करेक्शन। इसको हम वाटर टेबल को डायलेटेंसी करेक्शन ही बोलते हैं। ओवरबर्डन करेक्शन देखो, सपोज N1 इज करेक्टेड SPT फॉर ओवरबर्डन, मतलब करेक्टेड SPT हम निकालेंगे जो हमारे SPT वैल्यू की पहले से है उस पर हमारी करेक्शन लगेगी C1 की, ठीक है। तो मतलब N1 इक्वल्स टू N0 इंटू 350 डिवाइड बाय सिग्मा नॉट बार प्लस 70, ठीक है, ये आपकी ओवरबर्डन करेक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और दूसरी है वाटर टेबल करेक्शन, सपोज N2 इज द करेक्टेड वैल्यू, करेक्टेड SPT वैल्यू, तो वो होगी 15 प्लस हाफ ऑफ N1 माइनस 15, 15 प्लस हाफ ऑफ N1 माइनस 15। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, पहली चीज़ अब अगर आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर है तो करेक्शन विल नॉट बी अप्लाइड, C1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, करेक्शन विल नॉट बी अप्लाइड, C1 विल बी इक्वल टू 1। और अगर N1 की वैल्यू लेस देन 15 है तब भी वाटर टेबल करेक्शन विल नॉट बी अप्लाइड, है ना, वाटर टेबल करेक्शन फैक्टर विल नॉट बी अप्लाइड, ठीक है, नॉट अप्लाइड लिख लो आप सीधा, Not applied. Water table correction will not be applied. ये corrections है, ये ध्यान में रखनी है बहुत। इसके बाद आपका एक last topic है जो कि elastic settlement और contact pressures, इसका एक दो question आया आज तक, वो भी engineering services में आया इस topic से। इसमें समझने वाला क्या point है मैं ऐसे बता देता हूँ, elastic settlement और contact pressure, इलास्टिक सेटलमेंट एंड कॉन्टेक्ट प्रेशर, फ्लेक्सिबल फुटिंग और रिजिड फुटिंग के बीच में पता होना चाहिए। अगर सपोज आपकी फ्लेक्सिबल फुटिंग है, यू हैविंग अ फ्लेक्सिबल फुटिंग, फ्लेक्सिबल फुटिंग में हमेशा ध्यान रखना आपका कॉन्टेक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्म, कॉन्टेक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्म, ठीक है। तो सपोज आपकी ये फुटिंग है, ठीक है, दिस इज योर फुटिंग, और अगर ये आपकी दो तरह का केस लेते हैं, एक लेते हैं क्ले के लिए और एक लेते हैं सैंड के लिए, पूछे भी ऐसे ही जाते हैं एग्जाम्स में। अब क्ले के लिए आपकी सेटलमेंट कैसी होगी, ये आपने लिया है क्ले का, ये लिया है सैंड का, क्ले में हमारी कोहेशन होगी तो साइड से सेटलमेंट कम होगी, बीच से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी सेटलमेंट, ठीक है, इस तरह की सेटलमेंट होती है क्ले में जस्ट बिकॉज ऑफ कोहिजन। तो अब आपने बताया कॉन्टैक्ट प्रेशर फ्लेक्सिबल फुटिंग में यूनिफॉर्म होगा, तो आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर भी ऐसे ही जाएगा जिस तरह की सेटलमेंट होगी, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट प्रेशर है यूनिफॉर्म, जस्ट बिकॉज कॉन्टैक्ट प्रेशर इज यूनिफॉर्म इट विल गो लाइक सेटलमेंट, जिस तरह की सेटलमेंट होगी उस तरह का कॉन्टैक्ट प्रेशर होगा। अब सैंड के केस में कोई कोहिजन नहीं होगी तो उस केस में जो आपका सेटलमेंट होगा वो इस तरह का होगा सैंड के केस में, बिकॉज देर इज़ नो कोहिजन, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर भी आपका यूनिफॉर्म लगेगा इस तरह से, ठीक है, समझ गए, दिस विल बी योर कॉन्टैक्ट प्रेशर, कॉन्टैक्ट प्रेशर भी इसी तरह का लगेगा, ये फ्लेक्सिबल फुटिंग। अब रिजिड फुटिंग में क्या होता है, रिजिड फुटिंग में क्या होता है, रिजिड फुटिंग में आपका सेटलमेंट यूनिफॉर्म होती है, रिजिड फुटिंग में आपकी सेटलमेंट
is uniform. In rigid footing your settlement is uniform. ठीक है, इसमें कैसे आप देखोगे, सपोज आपकी सैंड है, दिस फुटिंग इज फॉर सैंड, दिस फुटिंग इज फॉर सैंड, दिस फुटिंग इज फॉर सैंड, इसमें सेटलमेंट यूनिफॉर्म है, मतलब सेटलमेंट सीधा ऐसे होगी. ठीक है, दिस विल बी योर सेटलमेंट. अब इसमें सैंड है, कोहिजन होगा नहीं, कंटेक्ट प्रेशर इसमें बोला नहीं यूनिफॉर्म होगी. अगर कोहिजन नहीं होगा, कोहिजन नहीं होगा तो कंटेक्ट प्रेशर कुछ इस तरह से वेरी करेगी इसमें सैंड में. ठीक है, कंटेक्ट प्रेशर विल बी लाइक दिस, ये सैंड के केस में. अब है आपका सिल्ट का केस, सपोज दिस इज योर सिल्ट केस. सिल्ट का केस इसमें आपने ध्यान रखना है हमेशा रिजिड फुटिंग होगी तो रिजिड फुटिंग में सेटलमेंट चलो ठीक है आपकी क्या होगी यूनिफॉर्म होगी. पर जो रिजिड के इसमें सिल्ट के केस में आपकी कंटेक्ट प्रेशर नॉन यूनिफॉर्म होगी, कंटेक्ट प्रेशर विल बी नॉन यूनिफॉर्म इन केस ऑफ सिल्ट. अगर क्ले है और सैंड भी एट ग्रेटर डेप्थ, अगर क्ले और सैंड है एट अ ग्रेटर डेप्थ, इफ योर क्ले और सैंड इज देयर एट अ ग्रेटर डेप्थ. ठीक है, मान लो क्ले है और क्ले सैंड भी दोनों सेम तरह से अपना शो करते हैं वेरिएशन, सैंड एट ग्रेटर डेप्थ, सैंड एट ग्रेटर डेप्थ, आपको पता है सेटलमेंट इसमें यूनिफॉर्म होगी, सेटलमेंट इसमें यूनिफॉर्म होगी. लो सेटलमेंट आ गई आपकी यूनिफॉर्म, सेटलमेंट यूनिफॉर्म होगी. पर इसमें एज इन कोहिजन होगा, कोहिजन होगा तो कॉन्टैक्ट प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा और एजेस में ज़्यादा होगा. ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है. बस ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, फाउंडेशन इंजीनियरिंग का. जो भी हमने डिस्कस किया उसे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है, सारा इसी के अंदर से आएगा. फाउंडेशन इंजीनियरिंग इज डन. थैंक यू.